नमस्कार दोस्तों, खेती बाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में अंगूर कटिंग करने का तरीका, क्योंकि दोस्तों अब अंगूर कटिंग करने का समय आ गया है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, अभी इस अंगूर में सारे पत्ते भिज चुके हैं, तो इसमें कटिंग कर दिया गया है। तो आपको बताएंगे कटिंग कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि दोस्तों खेती बाड़ी संबंधित या अपलोड संबंधित मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों देख रहे हैं, अंगूर अभी पूरा कटिंग कर दिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं। ये दोस्तों इसी हफ्ते अभी किया गया है, जैसे कि दोस्तों जिसमें पूरी पत्ती गिर चुकी थी, जैसे उसमें कटिंग कर दिया गया है और सब समकिया दिया गया है, जैसे ये देख रहे हैं। ये जो बच्चे दोस्तों इसको कटिंग की गई है, दोस्तों जो नया कटिंग किया जाएगा उसको हम आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि तो दोस्तों देख रहे हैं अभी ये डाल देखिए किस हिसाब से, ये है किस हिसाब से मैं बैठा हो रहा है। तो इसको हम दोस्तों यहाँ से कटेंगे, जैसे देख रहे हैं, एक दो और तीन छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे कटिंग कर देंगे, ठीक। इसे कोई मतलब ऊपर लगा, इसे कोई मतलब नहीं है, इसको हम कटिंग कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये जैसे ये है, अभी देखो उधर से दूर से आया हुआ है, लेकिन हम इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे, यहाँ से। इसे कोई मतलब नहीं है, ये ठीक है। ऊपर इसको उधर से कटिंग कर देंगे, ये इसमें जो जैसे जड़ निकलते हैं, ये इसको सब कटिंग कर देंगे। जो एक दूसरे से टच है, फंसी हुई है इधर उधर, उसको हम अभी कटिंग कर देंगे। कि दोस्तों जैसे कि जब फल आएगा, यानी फूल बोरेगा यानी निकलेगा ये, तो दोस्तों उसके लिए साफ जगह चाहिए, ताकि एक जैसे हवा में एक दूसरे टच होकर ख़राब ना हो, ठीक है। हिसाब से इसको कटिंग कर देंगे, ये दोस्तों ये साफ़ हो जाता है फिर, ये ठीक है। ये जैसे इसको कटिंग करेंगे, जो सूखी कैन है उसको हम निकाल देंगे, जैसे भी इसमें देख रहे हैं इतनी बड़ी, लेकिन उसमें कोई फरेगा फरेगा ऐसा नहीं है, लेकिन बस उसमें नाना जगह दो अंगूर आएगा, कभी एक अंगूर कभी दो अंगूर, जैसे मैं आप सभी कभी देखा कितना जबरदस्त फरा हुआ था। तो सर दोस्तों हम लोग इसी तरह से इसको कटिंग कर देते हैं, ये उससे बिल्कुल साफ़ हो जाता है, ये ठीक है। अब इसको जैसे अगर कहूँ अलग लगाना है, जैसे इधर से हटा के दूसरे मचान पर ले जाना है, तो उसको आराम से कर सकते हैं। जैसे अभी देखें, ये यहाँ से कटिंग कर देंगे हम, ये अभी दोस्तों यहाँ से तीन चार निकाल लें, तीन चार फूल, ये देख रहे हैं, एक उसके बाद दो तीन चार हो जाएगा, यहाँ से कटिंग कर देंगे हम, ये ठीक है। ये इस तरह दोस्तों को कटिंग किया जाता है अंगूर। दोस्तों कटिंग करने का अंगूर दोस्तों यही समय है, बहुत ज़बरदस्त दोस्तों यही समय है। दोस्तों वही अंगूर कटिंग किया जाएगा जिसमें पत्ती गिरी है, जिसमें पत्ती अभी नहीं गिरी उसको नहीं कटिंग किया जाएगा, क्योंकि जैसे आपको देख रहे हैं, जैसे किया दिए कहीं कहीं अभी पत्ती लगी हुई, तो उसको अभी कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों पत्ती लग रही तो गलत है, नहीं कटिंग करना चाहिए। लेकिन जिस पर मतलब पत्ती गिर गई उसको कटिंग कर देना चाहिए, ठीक है। वैसे सारी पत्ती गिर जाएगी, क्योंकि अभी आपको सभी को जैसे दिखाया था, अभी बहुत कोयला गिरा था, तो दोस्तों सारी पत्ती वैसे पीली हो गई है। मैं जिसके हाँ जैसे कि अभी आपको दिखाया, उससे पहले जो मतलब पत्ती गिर गई उसमें कटिंग जबरदस्त कर दिया गया है, लेकिन जिसमें जो है अभी पत्ती लगी उसको वही नहीं कटिंग करेंगे, दो चार दिन के अंदर दोस्तों अभी गिर जाएगी। दोस्तों जैसे कटिंग करेंगे हम, तो जैसे जैसे अभी आपको दिखाते, जैसे कि ये अब आप देख रहे हैं, यहाँ से ये कहीं यहाँ से आई हुई है नई, ये यहाँ से दोस्तों यहाँ तक पूरी नई कहीं आई हुई है, ये ठीक है, ये काफ़ी लंबी गई हुई है। तो इसको हम कटिंग कहाँ से करेंगे, जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये नई आई हुई है, यहाँ से ये यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे हम, ये इसको इधर से कटिंग करेंगे, और उसके बाद इसको यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। ये अब इसको काट के ये हो जाएगा, ये ठीक है। अब दोस्तों ये साफ़ हो गया, अब जिस तरह आपको ले जाना उधर ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये लंबी वाली कटिंग है, ये जो बची हुई है, ये इसको क्या करेंगे हम, इसको पहले आराम से निकाल लेंगे, जैसे कि यहाँ से फिर यहाँ काट लेते हैं हम, ये ठीक है। उसके बाद ये कर लेंगे, ठीक। दूसरा आपको दिखाते हैं, ये फिर यहाँ से कटिंग कर लेंगे, इसको आराम आराम छोड़ाएंगे, ऐसे खोचेंगे नहीं, तो नहीं दोस्तों जो दूसरी आके वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक दिखाते हैं आपको, इसे दोस्तों भी कटिंग कर लिया है, ठीक है। अब इसको जैसे अगर आप कहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप आराम से लगा सकते हैं, मुश्किल नहीं है। चाहे आप इस तरह से लगा लीजिए, ये इस तरीके से, और चाहे दोस्तों मतलब जैसे कि आप ये मोड़ लगा लीजिए, मोड़ का आपको बताया हूँ, दोनों साइड से मोड़ के थोड़ा सा बड़ा काट लीजिए, मोड़ लगा लीजिए। मैं आप सभी को पहले दिखा चुका हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हम आपको फिर दूसरे वीडियो में दिखा देंगे। लेकिन दोस्तों अभी पहले तो उसको कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद जैसे आपके पास ज़्यादा बच रहा है तो उसको आप मोड़ मोड़ मोटिंग करके लगा लीजिए, कोई मुश्किल मोड़ कर लीजिए इसको। जैसे आपको छोटा छोटा लगाना, जैसे यहाँ से कर लीजिए, ये चाहिए है, इसको यहाँ से छोटा छोटा कर लीजिए। जैसे आपको कप में लगाना है, कोई मुश्किल नहीं। जैसे अगर आपको मतलब बड़े पन्ने में लगाना है तो बड़े में लगा लीजिए, मुश्किल नहीं। अगर छोटे में लगाना है जैसे कपों में, तो बताना छोटा 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 कप ले, इन्हें दो आँखें होना चाहिए, जैसे एक है ये दो दो होना चाहिए, कम से कम दो होना चाहिए, फिर आप लगाएं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये जो है काला अंगूर है, ठीक है। काला अंगूर की इस तरह से कटिंग करते हैं दोस्तों, इस तरह सेम है जो सफ़ेद। लेकिन दोस्तों जब हम सफ़ेद अंगूर आपको दिखाएंगे तब दोस्तों बता देंगे आपको लगाने के लिए। वैसे मैं पहले आप सभी को दिखा चुका हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जैसे दोस्तों अगर आपको जानकारी लेना है तो आप कमेंट करके दोस्तों मुझे बताइए, मुश्किल नहीं, मैं आपको बता दूँगा। लेकिन दोस्तों आज इतना ही, और मुझे वीडियो कैसे लगा मुझे बताया, फिर आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ओके, बाय।